हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को मैं बता दूं कि पोषण अभियान पे जो अभी आप लोग रिसेंटली पोषण अभियान की जो भी एक्टिविटी है उसको आप लोग वहां पे अपलोड कर रही हैं, तो आप लोग उस पोषण अभियान की एक्टिविटी को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे कैसे देखेंगी, आज इसके बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है कि जो हम लोग एक्टिविटी को वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उस एक्टिविटी को हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि पिछले डेट में हमने क्या एक्टिविटी अपलोड की है और जो एक्टिविटी हमने अपलोड की है वो सर्वर पर अपलोड हुई है या नहीं। आपके मन में भी इस प्रकार के जो सवाल है वो चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग जो है वो पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे अपनी पिछली एंट्री को चेक कर पाएंगे, ठीक है। और इस एंट्री को आप लोग किस शीट के माध्यम से चेक करेंगे, जैसे कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक एक्सेल शीट है जिसपे आप लोगों को ये सारी एंट्री जो है वो आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट लिखा हुआ है, कितने लोग शामिल थे उस एक्टिविटी में, वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे और कौन कौन सी एक्टिविटी आपने उस दिन सेलेक्ट किया है वो सारा कुछ आप लोग देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना होगा, जिसमें कि सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप लोग भी इस प्रकार से इजिली जो पोषण अभियान की एंट्री है उसको चेक कर पाएंगे। अब तरीका जो है वो नया हो चुका है, आप लोगों को एक्टिविटी को डाउनलोड करके ही आप लोगों को देखना होगा। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इस ऐप को यूज़ करेंगे जिस पे मैं अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो सारा कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे एंट्री चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे आना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे गूगल या गूगल क्रोम के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना होगा पोषण अभियान। पोषण अभियान जैसे ही लिख के सर्च करेंगी तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो डाटा एंट्री यानी लॉगिन पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे लॉगिन किस प्रकार से करना है ये आप सभी लोगों को मालूम ही होगा और आप लोग पर डे की जो एंट्री है आप लोग आसानी से यहाँ पे कर भी रही होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो थ्री लाइन देखने को मिल रही है आप लोगों को सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुल के आएंगे, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म, व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा और गैलरी। यहाँ पे आप लोग जो पोषण अभियान के तहत फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं उसको भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी सारा कमेंट आता है कि जो हम लोग फोटो कैप्चर करके अपलोड कर रहे हैं उसको कैसे देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो को भी देख सकते हैं कौन सी फ़ोटो हमने अपलोड की है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी डाटा देखना है कि कौन सी एक्टिविटी हम किस डेट को अपलोड किए हैं, उसके लिए हमें व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके दिखा देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर जो है वो आपका पहले से ही हाइड रहेगा। आपको यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करना होगा कि किस लेवल का आप लोगों को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे तो दो लेवल खुल के आएगा, एक ब्लॉक लेवल और एक AWC लेवल। जैसे कि आप सभी लोग AWC लेवल से जो एप्लीकेशन डाटा है उसको अपलोड कर रही हैं तो हम लोग इसी को चेक करेंगे, तो AWC पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग AWC पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र का जो नाम है वो सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे सर्च करके आप लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र का जो नाम है उसको यहाँ पे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र सिलेक्ट करेंगी तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा डाटा नॉट फाउंड। जैसे कि पिछली बार क्या था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना आंगनबाड़ी केंद्र सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाती थी। नीचे आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते थे कि यहाँ पे हमने क्या क्या जो डाटा है वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इस बार की जो एंट्री है उसको चेक करने के लिए अब आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों का जो डेटा है वो खुल के आएगा, यानी कि डेट वाइज अब आप लोग यहाँ से जो भी एंट्री आप लोग अपलोड किए होंगे वो आप लोग यहां से देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से जो है स्क्रॉल करते हुए देख पाएंगे, एक तारीख से लेके अभी तक रिसेंटली जो भी आप लोग यहाँ पे एक्टिविटी अपलोड किए हैं उन सभी एक्टिविटी को यहाँ पे डेट वाइज अलग अलग करके रखा गया है। आप लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा कि आप लोग जिस डेट को चेक करना चाहते हैं, जिस डेट का देखना चाहते हैं, उसके आगे यहाँ पर सर्कल का एक ऑप्शन दिया गया है, इस सर्कल पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डेट की एक्टिविटी डाटा को यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ओपन वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ओपन वाले पे क्लिक नहीं कर पाते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो थ्री डॉट दिया गया है यहाँ पर, इस थ्री डॉट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग रिसेंटली एक्टिविटी डाउनलोड करेंगे वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो है सीट रीडर, यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जो एक्सेल वगैरह सीट को रीड करता है। तो इस ऐप की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, तो आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है सीट रीडर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लोगो देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आप लोगों का एक्टिविटी का डाटा है आप लोगों को यहाँ पर एक्सेल सीट में यहाँ पर दिखाई जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटी डाटा है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ मैंने जो है वो प्रोसेस सिखा दिया है, बता दिया है किस प्रकार से आप लोगों को पोषण अभियान की जो एक्टिविटी है वो डैशबोर्ड पे अपलोड की गई है या नहीं अपलोड की गई है, वो सारा कुछ आप लोग इस प्रकार से आके चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को यहाँ पे 4 तारीख का जो पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे एक्टिविटी अपलोड की गई है उसकी यहाँ पर डिटेल्स खुल के आ चुकी है। तो इस प्रकार से जाके आप लोग जो है पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर जो भी एक्टिविटी आप लोग वहाँ पर अपलोड किए होंगे वो सारी एक्टिविटी आप लोग इस प्रकार से आके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया है किस प्रकार से आप लोग पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे जो भी एक्टिविटी वगैरह है वो देखने को मिली। YouTube पे आप लोगों को इस प्रकार से कोई भी डिटेल्स में नहीं समझाता होगा जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।